बैंक के बैंकिंग और रिस्क प्रोड्यूसर में आपका स्वागत है। आप यहाँ आपके सामने जो ये असेंबली दिखाई दे रही है, ये असेंबली में फ्यूजन 360 में आपको इसकी मॉडलिंग करके दिखाऊंगा। तो बिना देर गवाए तो चलो मैं असेंबली स्टार्ट करता हूँ। तो पहले आप यहाँ पर जाकर न्यू डिज़ाइन सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप यहाँ प्लस पर सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने न्यू पेज खुल जाएगा। तो पहले स्केच फ्रेम सेलेक्ट कीजिए, बाद में इसे राइट क्लिक करके लुक एट फेस आपके सामने आप ये दिखाई देगा। पहले तो आप इसके सभी जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर रखिए, क्योंकि मैं ये सभी डायमेंशन सेंटीमीटर में लेने वाला हूँ। ओके, तो रेक्टेंगल तो पहले रेक्टेंगल 0.25 का है, एंटर टैप बटन एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंटर। ओके, एंड सेलेक्ट सर्कल। पहले आप जो आप सर्कल सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा 2 पॉइंट सर्कल, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सेलेक्ट कीजिए और बाद में 1 सेंटीमीटर। ओके, देन और एक सर्कल, ये सेंटर सर्कल होना चाहिए, सिलेक्ट दिस पॉइंट देन 0.4। ओके, देन फिनिश स्केच। ओके, देन असेंबली। इस असेंबली में आपको न्यू कंपोनेंट सिलेक्ट करना है क्योंकि हमें इसकी असेंबली करनी है। ओके, न्यू कंपोनेंट, यहाँ पर एक्टिवेट पर क्लिक कीजिए और ओके पर क्लिक कीजिए। ओके, देन एक्सट्रू सिलेक्ट दिस, देन एक्सट्रू 10 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको एक्सट्रू करने के बाद यहाँ आपको स्केच का जो कमांड दिख रहा है इसको विजिबल कीजिए, आपको यहाँ स्केच दिख जाएगा। अगर आपका ये विजिबल है दिखा, तो इसको विजिबल कीजिए पहले, बाद में एक्सट्रू इस स्केच को सिलेक्ट कीजिए, बाद में इस पार्ट्स को, देन एक्सट्रू 2 सेंटीमीटर। ओके, देन गो पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न। इधर आप मिरर फीचर्स, ये जो फीचर्स है इसको हमें पैटर्न करना है, सिलेक्ट दिस फीचर, then select direction this, select this edge, then put this dimension to, यहाँ आप spacing पर क्लिक कीजिए, बाद में यहाँ spacing पर क्लिक करने के बाद आप इधर 4 और यहाँ 3। ओके, देन क्लिक ओके। अभी आपने जो जो कमांड्स आपने यूज किए हैं उस कमांड्स को यहाँ जाकर एक्टिवेट कीजिए, तो सभी कमांड्स यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो बाद में फिर से असेंबली में जाकर असेंबली में क्लिक कीजिए, असेंबली न्यू कमांड। ओके, न्यू असेंबली यहाँ पर आपको दिखाई देगी कंपोनेंट्स। एक फर्स्ट कंपोनेंट जो है ये आपको जो ब्लर दिखाई दे रहा है जो ट्रांसफर, ये फर्स्ट कंपोनेंट। अभी हमें सेकंड कंपोनेंट ड्रॉ करनी है, तो पहले तो आप इसको डिसेबल कीजिए, बाद में एक्सट्रूड पर क्लिक करने के बाद इसे सिलेक्ट कीजिए, एक्सट्रूड 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने जो फर्स्ट वाला जो एक्सट्रूड किया था वो एक साइड का हुआ था, अभी दूसरी साइड का हमें क्या ड्रॉ कर। ओके, तो इसको विजिबल कीजिए फिर से। ओके, देन एक्सट्रू सिलेक्ट दिस प्लेस, देन इमेज को थोड़ा सा रोटेट कीजिए, इस फेस को सिलेक्ट करने के बाद ये फेस कहाँ तक एक्सट्रू
होना चाहिए इस प्लेस तक, तो इस प्लेस को सिलेक्ट कीजिए, ओके। तो इसको जॉइंट कीजिए, जॉइंट अप्लाई। ये हमारी फर्स्ट एक्सट्रूड कमांड हुआ, तो हमें इसको भी एक्सट्रूड करना है। तो एक्सट्रूड सिलेक्ट दिस प्लेस, तो इस प्लेस को कहाँ तक एक्सट्रूड करना है, इस प्लेस तक, तो इस प्लेस एंड प्लेस को सिलेक्ट कीजिए, देन सिलेक्ट जॉइंट, देन ओके। बाद में इसे सभी कमांड्स हमें विजिबल करना है, यहाँ पर जाकर एक्टिवेट कमांड, ओके। तो फर्स्ट कमांड को सिलेक्ट कीजिए और जाकर मूव, आप डायरेक्टली एम क्लिक करके भी मूव कर सकते हैं। तो इसे यहाँ ड्रैग कीजिए, ओके ओके। तो इसको हमें असेंबल करना है, ओके। पहले इसको हमें असेंबल करने से पहले इन दोनों में से एक तो कोई फिक्स होना चाहिए, तो इसको हम इसे हम हमें फिक्स करते हैं, ओके। तो ये कौन सा है, कंपोनेंट वन। देखो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कंपोनेंट टू दिखाई देता है, और इसे सिलेक्ट करने के बाद कंपोनेंट वन, तो राइट क्लिक करके यहाँ पर ग्राउंड पर सिलेक्ट कीजिए। पहले तो आप इसको मूव कीजिए कि कौन सा कंपोनेंट है, सेकंड, ओके। तो राइट क्लिक कीजिए, ओके। तो हमें इसकी असेंबली करनी है, इसको तो हमने मूव कर दी, ओके। इसको हमने मूव किया है, तो आप इसकी असेंबली करेंगे। तो सिलेक्ट फर्स्ट जॉइंट, यहाँ आप असेंबली में जाकर भी जॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ आप देख सकते हो शॉर्टकट कीज जे, सिर्फ जे सिलेक्ट करने के बाद आप जॉइंट कमांड यूज कर सकते हो, ओके। तो पहले सिलेक्ट जॉइंट, देन दिस इन आवर प्लेस, और इस सर्कल का इनर फेस, ओके। ये हुई इसकी असेंबली। तो ये असेंबली कैसे वर्क करेगी, रिवॉल्व होगी, फंक्शन में जाकर रिवॉल्व, ओके। तो ये असेंबली हमारी कंप्लीट हुई, देन क्लिक ओके, ओके। तो आप ये यहाँ देख सकते हो ये पूरी तरह ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, तो इसकी रिवॉल्यूशन की भी कोई लिमिट होती है, कहाँ तक रिवॉल्व होगा। तो ये कैसे करें, तो यहाँ पर जो आपको ये कमांड दिखाई दे रहा है ना, अगर आपको ये सिंबल दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर आप जॉइंट में जाइए, जॉइंट में जाने के बाद यहाँ राइट क्लिक कीजिए, बाद में एडिट जॉइंट, एडिट जॉइंट में जाने के बाद यहाँ आप माइनस 90 या 90 सिलेक्ट कीजिए, ओके, और अप्लाई। आप देख सकते हो यहाँ, रुको, ये फ्रंट व्यू, यहाँ देख सकते हो इसकी रिवॉल्यूशन। सिर्फ यहाँ मैं पूरे रिवॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इसको लिमिट दी है, ओके। तो इसको सिलेक्ट दिस स्पेस एंड राइट क्लिक स्केच, स्केच पर राइट क्लिक कीजिए, एस्केप, राइट क्लिक, लुक एट फेस, ओके। पहले तो आप सर्कल ड्रॉ कीजिए, डायरेक्टली आप यहाँ चार सर्कल दीजिए, बाद में आप डायमेंशन दे सकते हो, ओके। तो मैंने चार सर्कल, यहाँ आप देख सकते हो मैंने चार सर्कल लिए, तो इसको हमें यहाँ
यहाँ स्केच डायमेंशन में जाकर इसको डायमीटर दीजिए। तो इसका डायमीटर है 0.75 सेंटीमीटर। एंटर। इसका भी डायमेंशन है 0.75। सभी के जो सर्कल है सभी सर्कल के डायमीटर 0.75 सेंटीमीटर। इसके डायमेंशन हम देते पहले दिस टू दिस। इसका डायमेंशन है, इसका डायमेंशन है 2 सेंटीमीटर। ओके 2 सेंटीमीटर प्लॉट में इसके आप डायमेंशन यहाँ देख सकते हो। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको ड्रॉ करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ओके फिनिश स्केच एक्सट्रूड सिलेक्ट दिस सो सिलेक्ट ऑल ऑफ द सर्कल एंड कट कट ओके आप देख सकते हो। तो इसको हमें क्रिएट देना है, क्रिएट मॉडिफाई फिलेट दिस लाइन सिलेक्ट ऑल कॉर्नर्स देख सकते हो। ये यहाँ पर जो मैंने असेंबली की है ये 2 कंपोनेंट की असेंबली है, कंपोनेंट फर्स्ट ये साइड, कंपोनेंट सेकंड ये साइड, और यहाँ पर एक की स्लॉट होती है जो ये दोनों कंपोनेंट को होल्ड करके रखती है। तो वो ड्रॉ करते उसके लिए हमें पहले स्केच सिलेक्ट करना होगा और ये स्पेस पर स्पेस सिलेक्ट कीजिए। बाद में ये सिलेक्ट किए हुए स्पेस को क्लिक करके लुक एट पर सिलेक्ट कीजिए। बाद में सर्कल सिलेक्ट सेंटर ओके फिनिश स्केच देन गो न्यू कंपोनेंट ओके इस सर्कल को सिलेक्ट कीजिए एक्सट्रू यहाँ आगे 0.1 सेंटीमीटर ओके और यहाँ डायरेक्शन में जाकर 2 साइड सेलेक्ट कीजिए। बाद में सेकंड साइड को एक्सट्रूड
10.1 क्योंकि हमारी जो प्लेट है वो 10 सेंटीमीटर की जो ये प्लेट है तो 0.1 सेंटीमीटर के बाहर आएगा क्योंकि हमें वो वहाँ पर चैम्फर देना है। ओके, और यहाँ पर न्यू बॉडी सेलेक्ट रखी है। ओके, देन फिलेट सेलेक्ट दिस एंड सेलेक्ट दिस 0.1। ओके, तो ये हमारी कंप्लीट हुई। इसको हम एक्टिव कंपोनेंट करते हैं। ओके, तो ये जो हमने की स्लॉट यहाँ पर मॉडलिंग की है, बाद में ये जो की है ये ऐसे मूव होती है, आप देख सकते हो। तो ये इसी स्लॉट में ऐसे स्लाइड होना चाहिए, तो इसलिए हमें यहाँ असेंबली में जाने के बाद एज बिल्ट जॉइंट पर सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट दिस की, यहाँ पर जाकर स्लाइडर पर सिलेक्ट कीजिए, नहीं यहाँ पर जाकर पहले आप रिजिड पर सिलेक्ट कीजिए और रिजिड बॉडी ये इसको सिलेक्ट कीजिए, ये रिजिड हो जाएगी। बाद में स्लाइडर पर सिलेक्ट कीजिए और इसको सिलेक्ट कीजिए और अप्लाई। ओके, तो आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे स्लाइड होगी और ये ऐसे यहाँ आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ आपको दिखाई देगा। यहाँ रिवॉल्व पर राइट क्लिक करने के बाद एनिमेशन पर क्लिक कीजिए, आपको इसका एनिमेशन दिखाई देगा। ओके, और ये क्लिक ये जो की है इसका एनिमेशन आपको देखना है, तो यहाँ जॉइंट में जाने के बाद यहाँ स्लाइडर जो दिखाई दे रहा है यहाँ राइट क्लिक करके आप एनिमेशन जॉइंट पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो स्लाइडर के सामने होगा। ओके, एस्केप। ओके, तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।